अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्रिज, जिसे हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, कब और कैसे ईजाद हुआ और किसने ईजाद किया? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। जदीद रेफ्रिजरेटर, जैसा कि हम आज जानते हैं, 1834 में अमेरिका में रहने वाले एक बरतानवी मुजीद जैकब पर्किंस ने ईजाद किया था। इसने एक कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिजाइन किया, जिसमें एथर को बंद साइकिल में इस्तेमाल किया गया, जिसे बाद में महफूज रेफ्रिजरेंट्स जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रियून से तब्दील कर दिया गया। पर्किंस के डिजाइन को 19वीं और 20वीं सदी में मुख्तलिफ मौजदों ने मजीद तैयार किया और बेहतर किया। पहला तिजारती तौर पर कामयाब रेफ्रिजरेटर जनरल अली कटरक ने 1927 में तैयार किया था। 1913 में जदीद रेफ्रिजरेटर की ईजाद के बाद टेक्नोलॉजी में कई बेहतरी और तरक्कियां हुईं। 1920 और 1930 की दहाइयों में रेफ्रिजरेटर ज्यादा सुस्ती और आम लोगों के लिए काबिल रसाई हो गए। इसकी वजह से टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाया गया और 1940 की दुहाई तक तकरीबन हर अमरीकी घराने में फ्रिज मौजूद था। 1950 की दुहाई में रेफ्रिजरेटर्स ने मजीद जदीद टेक्नोलॉजीज पेश करना शुरू की, जैसे खुदकार डेफ्रोस्टिंग, एडजस्ट शेल्फ और आइस मेकर। इन खसूसियात ने रेफ्रिजरेटर्स को ज्यादा आसान और सरफ दौसत बना दिया। हालिया बरसों में रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी में तोवानाई की कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज की गई है। रेफ्रिजरेटर्स में अब तोवानाई के मौसर कंप्रेसर्स और मौसलीत की खसूसियात हैं, जो तोवानाई की खपत को कम करने और बिजली के अखराजात को बचाने में मदद करती हैं। मजमूई तौर पर रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी ने 20वीं सदी के अवाइल में अपनी ईजाद के बाद से एक तवील सफर तय किया है और ये आज तक तरक्की और बेहतरी के लिए जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी इंफॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जल्द आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।